हेलो फ्रेंड्स, गावरान तड़का रेसिपी में मैं वर्षा अवले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खानदेशी अंडा कढ़ी। तो आप देख सकते हैं कितनी मस्त खानदेशी अंडा कढ़ी बनी है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और खानदेशी अंडा कढ़ी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। चले फिर इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी नारियल सूखा मीडियम साइज़ की भूंज के लिया है, एक प्याज भूंज के लिया है, 25-30 लहसुन की कली, 2-3 अदरक के टुकड़े और धनिया पत्ती ली है। इन सब चीज़ों को हमें पीस के लेना है। तो ये नारियल और प्याज स्पेशल खानदेशी सब्जी में यूज़ किया जाता है, जो भूंज के लिया जाता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने पीस ली है, उसमें से थोड़ी धनिया पत्ती पीसना बाकी है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हैं किस तरह से मस्त और सॉफ्ट ये मैंने पेस्ट तैयार की है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम ऑयल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल आपके हिसाब से सब्जी में यूज कर सकते हो, कम ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तरी वाला बनाना है इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज किया है। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें मसाले पीस के लिए थे वो ऑयल में ऐड कर लेते। पहले हमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर ऑयल गर्म होने के बाद ये पीसी हुई चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने ये जो पीस कर सब मसाला लिया था उसको मैंने ऐड कर लिया है। तो जो हमने पिसा हुआ मसाला डाला है उसको अच्छे से 3-4 मिनट मीडियम गैस के ऊपर हमें चलाते चलाते फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला अच्छे से 3-4 मिनट फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है और यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने खानदेशी स्पेशल काला मसाला यूज़ किया है, उसको काला टिकट भी बोलते हैं। और उसी के साथ मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाली है। वो मसाला स्पेशल महाराष्ट्र में बनाया जाता है और खानदेशी मसाला तो और ज़्यादा टेस्टी रहता है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे एवरेस्ट की मटन मसाला की 1 चम्मच पेस्ट या 1 चम्मच पाउडर डाली है और उसी के साथ नमक डाला है। तो ये सब पाउडर मसाले हम 1/2 मिनट हमारे पेस्ट के साथ फ्राई करके लेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड कर ली है। तो अब ये मसाले हमें 2-3 मिनट अच्छे से, 2-3 मिनट नहीं 1/2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मैंने 6 अंडे ऐड किए हैं। आपको कितने लोगों के लिए कढ़ी बनानी है उसके हिसाब से आप यहाँ अंडे ऐड कर लीजिए। और जो मैंने अंडे उबले हुए डाले उसके ऊपर ना चाकू से कट लगा लिए है, फिर उसमें मैंने ये अंडे ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। तो आपको अंडा कढ़ी ठीक ग्रेवी किस तरह से चाहिए, पतली ठीक, उसके हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा और कितने लोगों के लिए बनाने है उसके हिसाब से। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो अब जो हमने मसालों में से धनिया पत्ती निकाल दी थी ना, वो मैंने हाथ से तोड़ के इसमें ऐड कर ली है। तो 5-6 मिनट अच्छे से हमें ये अंडे कढ़ी को उबाल के लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये अंडा कढ़ी उबाल चुकी है। तो अब गैस को पूरी तरह से कम करेंगे और 8-10 मिनट, 8-10 या 7-8 मिनट के लिए अच्छे से ये कम गैस के ऊपर रहने देते हैं। तो यहाँ पे यह हमारी अंडा कढ़ी खाने के लिए तैयार है। ऊपर से मैंने हरा धनिया पत्ती डाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह की अंडा कढ़ी ज़रूर बना के खाइएगा। और फिर मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।